यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ सेंसर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में, जो कि रिलेटेड है हमारे टॉपिक सेंसर डिप्लॉयमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जब भी हम यूज़ करते हैं IoT को WSN के साथ, जब भी हम यूज़ करते हैं यानी कि जब भी हम IoT को वायरलेस सेंसर नेटवर्क के साथ यूज़ करते हैं, तो इससे हमको एक बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन मिलता है। जब भी हम IoT को WSN यानी कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क के साथ यूज़ करते हैं, तो हमको एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन मिलता है, जिससे कि हम स्मार्ट सिटीज़ और सस्टेनेबल सिटीज़ की मेजर ग्रोथ के बारे में, इनक्रेडिबल ग्रोथ के बारे में एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन हम तैयार कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे यानी कि एक स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबल सिटीज़ के इनक्रेडिबल ग्रोथ के लिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिम्मेदार होता है, और वो होता है इसमें WSN। ठीक है, तो यहाँ पर WSN का कौन सा नेचर काम आता है? देखिए, जो WSN होता है इसका एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, WSN का एक नेचर होता है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर पाता है। ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज होने के अलावा वायरलेस सेंसर नेटवर्क में एक और नेचर होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये दोनों नेचर जो होते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में, ये वर्क करते हैं कुछ ऐसे नोड्स के साथ जो लो पावर पे यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ही लो पावर कंजप्शन करते हैं, और साथ ही साथ ये जो नोड्स होते हैं कई बार ऑटोनॉमस होते हैं। ठीक है, तो नोड्स के ऑटोनॉमस होने से और लो पावर होने से हमको एक बेनिफिट मिलता है, और वो बेनिफिट ये होता है कि हम बहुत सारे अलग अलग तरह के नए तरह के सॉल्यूशंस हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि नोवेल सॉल्यूशंस हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अलग अलग डोमेन्स में आने वाले प्रॉब्लम्स को, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन, इसका मतलब है जैसे कि एक हमारा डोमेन हो गया टेली कम्युनिकेशन का, ठीक है, टेलीकॉम और नेटवर्किंग का। ठीक है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा जो एक डोमेन है वो है एम्बेडेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, यानी कि एम्बेडेड कंप्यूटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर पाते हैं, और एम्बेडेड कंप्यूटिंग से रिलेटेड डिवाइसेस को भी हम डिज़ाइन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स एंड द IoT। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज़ हैं और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर पाते हैं, और इससे रिलेटेड डिवाइसेस को भी हम हैंडल कर पाते हैं विद IoT प्लस WSN, यानी कि IoT प्लस वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स हम क्या कर पाते हैं, इन्हें हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब भी हम WSN और IoT को हम साथ में यूज़ करते हैं, तो उससे हमको एक और बेनिफिट ये मिलता है कि जिस भी सिस्टम को हम डिज़ाइन करते हैं इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, जिस भी सिस्टम को हम डिज़ाइन करते हैं WSN और IoT के कॉम्बिनेशन से, तो जो भी सिस्टम डिज़ाइन किया गया होता है वो क्या होता है, एक ऑप्टिमाइज सिस्टम होता है। ठीक है, एक ऑप्टिमाइज सिस्टम होता है, यानी कि WSN और IoT के कॉम्बिनेशन से जो भी सिस्टम डिज़ाइन होगा उसमें पहले से एक फीचर होगा ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, और इस ऑप्टिमाइजेशन को हम अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस में कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो प्रोपोगेशन, यानी कि रेडियो सिग्नल किस तरीके से प्रोपोगेट होगा वो हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कर सकते हैं पावर अवेयरनेस।
इसमें हम कर सकते हैं पावर अवेयरनेस, यानी कि जो सिस्टम हो, जो भी सिस्टम डिज़ाइन किया गया हो, वो इस बारे में अवेयर हो, इस बारे में जागरूक हो, इस बारे में जानता हो कि कितना पावर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा सेंसर कवरेज, यानी कि WSN और IoT के कॉम्बिनेशन से जो भी सिस्टम डिज़ाइन किया गया हो उसमें सेंसर कवरेज का पता चलता रहे कि सेंसर का कवरेज, सेंसर जो है कहाँ तक अपने एरियाज को कवर कर पा रहा है। इसके अलावा हार्डवेयर कॉस्ट, यानी कि हार्डवेयर जो यूज़ हो रहा है WSN और IoT में वो कितना यूज़फुल है, ठीक है, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम WSN के लिए, यानी कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जब भी हम इसके लिए डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमको यह देखना होगा, यहाँ पर हमको यह देखना होगा कि कौन कौन से यूनिफॉर्म स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी यूनिफॉर्म स्ट्रेटजीज हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेटजीज हैं, और साथ ही साथ किस तरीके के ग्रिड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जिसकी मदद से हम कवरेज का ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये कवरेज का हमको ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस इसलिए करना है ताकि हम नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें, यानी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को हम क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें।